सही कहा था किसी ने, सवे दिन ना होत एक समान, और ये बात सलमान खान से बेहतर कौन जान सकता है। बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से मशहूर ये अभिनेता कभी शिकार करने तो कभी हिट एंड रन केस में तो कभी बदतमीजी करने के आरोपों में फंसते रहे हैं। आज भी कई मामलों पर सलमान के विरुद्ध केस चल रहे हैं। यही नहीं, जो भी इनके विरुद्ध उंगली उठाता है उसके करियर का बर्बाद होना निश्चित होता है। परंतु अब पासा उल्टा पड़ चुका है और सलमान खान के जिस स्टारडम पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, अब सोशल मीडिया पर जनता उसकी धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी जोरों शोरों से संभाल चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ने बॉलीवुड में किसी भी मतलबी और दबंग कलाकार को नहीं छोड़ा है। महेश भट्ट, करण जौहर के बाद अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आम जनता के आक्रोश से बच नहीं पाए हैं। पूर्व में किए गए अपने कृत्यों को लेकर आज जनता उनसे न केवल जवाब मांग रही है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे उम्दा कलाकार को धमकी देने वाले सल्लू मियां का बीइंग ह्यूमन का पीआर भी किसी काम नहीं आ रहा। सलमान खान के बदलते भाग्य का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब सलमान खान ने वुहान वायरस की महामारी से बचने के लिए अपने बीइंग ह्यूमन मर्चेंडाइज में मास्क भी जोड़े, जिसके लिए उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। हाल ही में सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बीइंग ह्यूमन का मास्क पहनकर एक फोटो शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीइंग ह्यूमन ने आज मास्क लॉन्च किया है और हमारा एक ही टास्क, पहनो और पहनाओ मास्क। जब आप एक मास्क खरीदेंगे आपको हमारी ओर से एक मास्क फ्री मिलेगा, जो आप खुद जरूरतमंदों को दे सकते हो। जब भी बाहर निकले, जान या अनजान लोगों के साथ, पहनिए मास्क और साथ में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। परंतु सलमान की इंस्टाग्राम पोस्ट काफी महंगी सिद्ध हुई, क्योंकि इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बीइंग ह्यूमन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सुशांत का चेहरा याद करना, इन्हीं लोगों के कारण आज वो हमारे बीच नहीं है। एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, आप अभी भी ह्यूमन हो? वैसे भी इतने सालों से आपने दुनिया के लिए अलग ही मुखौटा लगाया हुआ है। अब सच कहें तो सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बाद से जितना नुकसान करण जौहर और महेश भट्ट जैसे लोगों की छवि को हुआ है, उतना ही नुकसान सलमान खान को भी हुआ है। सलमान खान सिर्फ बॉलीवुड के बैड बॉय ही नहीं है, अपितु एक शातिर उद्यमी भी है, जो बीइंग ह्यूमन के जरिए अपनी बैड इमेज को सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब वे अपने प्रचार के लिए ट्रोल हो रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है, अब सलमान खान की स्टारडम का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। लोग अब उनके प्रचार के पीछे के सच को जानने भी लगे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के कुछ ही दिन बाद निर्देशक अभिनव सिंह कश्यप ने भी सलमान खान और उनके परिवार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बताया था कि कैसे इसके जरिए खान परिवार अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करता है, जबकि वास्तव में यह प्रोग्राम एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम से अधिक कुछ भी नहीं है, जहां 500 रुपए की टी शर्ट 5,000 में बेची जाती है। परंतु बीइंग ह्यूमन को लॉन्च करने का मूल कारण क्या था? इसके लिए हमें 2009 का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि तब एक के बाद एक फ्लॉप के कारण सलमान का करियर ढलान पर था और उनकी छवि पर सवाल उठने लगे थे। तब उन्होंने ध्यान दिया अपनी इमेज बिल्डिंग पर, जिसके लिए उन्होंने बीइंग ह्यूमन नामक एनजीओ की शुरुआत की। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आज इतने विवादों में होने के बाद भी सलमान खान हमेशा अपने फैंस की नजरों में हीरो बने रहे। कारण बीइंग ह्यूमन के रूप में उनका पीआर और उनका स्टारडम था, जिसके सेल्स का एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खर्च करने की बात कही गई थी। इस तरह से कई लोगों का करियर तबाह करने वाले सलमान खान को लोगों की सहानुभूति मिलती रही और सराहना भी। परंतु अब ऐसा और नहीं चलेगा। जिस प्रकार से जनता वंशवाद के विरुद्ध मोर्चा खोल चुकी है और जिस तरह से भट्ट परिवार की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, ऐसे में सलमान खान की छवि यथावत रहे, यह सोचना भी हास्यास्पद होगा। अब जनता स्टारडम के नाम पर सलमान खान की बॉलीवुड में दबंगई को भांप चुकी है और इसी वजह से सलमान खान का कोई पीआर काम नहीं आ रहा।